मोहम्मद अली रोड में स्थित आशियाना इमारत का गिरा एक हिस्सा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई में जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके साथ हादसे भी नए नए देखने को मिलते हैं, और बरसात में मुंबई जैसे शहर में इमारत गिरने का हादसा हर साल पेश आता है। ऐसे में जो इमारतें हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है, लेकिन नोटिस के बावजूद जो है लोग खाली नहीं करते। पुनर्वसन की बात चलती है, फिर भी लोग जो है खाली करने को तैयार नहीं होते, जिसके बाद जो है हादसा पेश आता है और कई लोगों को उनकी जान गंवाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जो है मोहम्मद अली रोड में स्थित आशियाना इमारत का आया है, जहाँ पर सुबह बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। हालांकि राहत की खबर यह है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमेशा ही बीएमसी नोटिस भेजती है, लेकिन उसके बाद भी जर्जर इमारत जो है वो खाली नहीं होती। काफी पुरानी इमारतें जो जर्जर हो जाती है, वैसे इमारतों को देखकर बीएमसी नोटिस तो देती है, लेकिन नोटिस के बावजूद कोई खाली नहीं करता और ऐसा हादसा पेश आता है। देखिए क्या कुछ कहा है वहां पर स्थानिक लैंडलॉर्ड ने और किस प्रकार उन्होंने कहा कि हम पुनर्वसन भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खाली नहीं कराते। देखिए क्या कुछ कहा है लैंडलॉर्ड ने मीडिया से बातचीत करते हुए। सर जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, इसके रीडेवलपमेंट पोर्शन का एक हिस्सा है, और हमारे पास जो महाडा का हमारे रिकॉर्ड में लेटर है वो ये बता रहा है कि 2015 से ये बिल्डिंग डिलेप्टेड है, और सेवरल टाइम हम लोगों ने बीएमसी और महाडा में कंप्लेंट करी, और एज बिल्डर हम लोग खुद यहाँ पर टेके जो प्रॉपिंग होते वो लगाने के लिए भी गए, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जूजर नागरी और उनके जो साथ के ऑक्यूपेंट्स हैं, वो हम लोगों को प्रॉपिंग भी नहीं लगाने देते। तो अगर बिल्डिंग गिरेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं महाडा सीईओ और म्यूनसिपल कमिश्नर और इन सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई इस मैटर में कुछ देखें, और ये जो लेटर इशू हुआ है ये महाडा B1 मयूर सोम खुशरे, जो वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये उसका दिया हुआ है। तो 2015 में लेटर देने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जाके भी ये सवाल करूँगा, मैं विनती करूँगा, और यही विनती मैं ये पुलिस कमिश्नर और बीएमसी वालों से भी करूँगा कि भाई ये जो आपने किया था कार्रवाई वो अभी तक अधूरी है, और कल को ये बिल्डिंग देखिए अभी अगर गिर गई तो इसमें जो जानी माली नुकसान होगा हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। और अभी आप जो जिस प्लॉट पर खड़े हैं, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का हमने लोगों को आधे लोगों को पोजीशन ऑलरेडी ये बड़ी बिल्डिंग में दे दिया है, इसमें पोजीशन इनको मिल चुका है, और उनका भी जो पोजीशन है टेम्परेरी अकोमोडेशन वो रेडी है, खाली इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है। एंड अबव ऑल हमने महाडा से 95A का नोटिस भी निकाल के रखा है, तो 95A के नोटिस को इन लोगों ने कोर्ट में चैलेंज करके टाइम बाई किया है, और अभी हाई कोर्ट में ड्यू टू पेंडेमिक हमारा सिर्फ एक हियरिंग में फैसला हो जाएगा, वो पेंडिंग है ड्यू टू पेंडेमिक पिछले 15 महीने से। अभी हाई कोर्ट में अगर हियरिंग होती तो ये लोग अब तक खाली कर चुके होते और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आज जो कुछ भी बिल्डिंग का पोर्शन जो गिरा है तो उससे यही साबित होता है कि कल को हैवी मानसून में ये बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग का नाम क्या है? ये बिल्डिंग का नाम आशियाना मंजिल है, 180-184 यूसुफ मेहर अली रोड, और ये एक इस रीडेवलपमेंट का एक पार्ट है ये बिल्डिंग भी। और रीडेवलपमेंट को छोड़िए, हम एज लैंडलॉर्ड किधर जाएंगे? हमारा कोई जिम्मेदारी है क्या? ये अगर बिल्डिंग गिर गई और इतना सब करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, ये तो इसका तुम्हारे को हेलो मोबाइल यहाँ से लूँ ना यार। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।